एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। यूपी पुरानी पेंशन स्कीम की मांग को लेकर 20 लाख कर्मचारी हड़ताल पर गए। 20 लाख से ज्यादा कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। सभी उन्हीं ने पूरे प्रदेश की एक साथ है, सारे कर्मचारी संगठन साथ में हैं और मांग सिर्फ ये है कि पुरानी पेंशन बहाल की। सरकार को कर्मचारियों की बातों पर ध्यान देना चाहिए, उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी ही सत्ता बनाते हैं और बिगाड़ते भी। प्रमुख मांगे हमारी सिंगल एक मांग है, वो है पुरानी पेंशन की बहाली। मेन ये है कि जब कर्मचारी कम समय में नौकरी करता है और उसके बाद उसकी पेंशन नहीं बनती है तो वहाँ पे मैं करेगा क्या? पूरी जीवन नौकरी करेगा आपके ऑफिस में और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद वो क्या करेगा? कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार से ये मांग है और अपेक्षा भी है कि कम से कम ये पुरानी पेंशन बहाली करे, जिससे कि कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।